सिरमौर जिला के दुर्गम क्षेत्र संगढ़ा के एक दर्जी प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दे रहे हैं। ये दर्जी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। यही कारण है कि दर्जी सुरेश कुमार चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये है 32 वर्षीय सिलाई का काम करने वाले दर्जी सुरेश कुमार, जो सिरमौर जिला के अति दुर्गम क्षेत्र संगढ़ा में दर्जी की एक छोटी सी दुकान करते हैं। सुरेश कुमार स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक मुक्त अभियान का संदेश देने के मकसद से पिछले एक साल से लोगों में कपड़े के थैले बांट रहे हैं और लोगों से ही प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए सहयोग मांग रहे हैं। खास बात ये भी है कि सुरेश कुमार अपने बनाए गए कपड़ों के बैग को स्कूलों, कॉलेजों व आम लोगों के बीच जाकर बांटते हैं। दर्जी सुरेश कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रभावित होकर उन्होंने ये कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कपड़े सिलने के बाद जो भी शेष कपड़ा बच जाता है उससे वो कपड़े के बैग बनाकर लोगों में बांटते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान में जो भी लोग कपड़े सिलवाने आते हैं उनको भी कपड़े सिलने के बाद वह उन्हें कपड़े का बैग जरूर देते हैं और प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं। सुरेश कुमार का कहना है कि वह प्रतिदिन 15 से 20 कपड़ों के बैग बनाते हैं। साथ ही में उनका कहना था कि वह कभी रात के समय भी ऐसे बैग बनाने के लिए समय निकालते हैं। उन्होंने दर्जी का काम करने वाले अन्य लोगों से भी आह्वान किया कि उनको भी प्लास्टिक मुक्त में अपना योगदान देने के लिए आगे आना चाहिए। इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशासन द्वारा हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दर्जी सुरेश कुमार को सम्मानित भी किया गया है। कुल मिलाकर सुरेश कुमार प्लास्टिक मुक्त भारत और स्वच्छ भारत अभियान में जिस तरह का योगदान दे रहे हैं वह अपने आप में काबिले तारीफ है। सर, मैं पिछले एक साल से कपड़े के थैले बना रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील से प्रभावित होकर मैंने ये थैले बनाना शुरू किया है और मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। सर, पहले तो हमने स्कूलों के माध्यम से थैले बांटे। सबसे पहले हमने संगड़ा स्कूल से शुरुआत की, संगड़ा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सबसे पहले हमने थैले बांटे, उसके बाद लुधियाना स्कूल, उसके बाद महाविद्यालय संगड़ा और इसके बाद हम अब जो भी हमारे पास दुकान में जो भी कोई हमारे जान पहचान का आता है या कोई कस्टमर आता है हम सबको एक एक थैला हर लोगों को बांटते हैं। सर, जो भी हमारे इस तरह का टेलर भाई है, जो भी कोई इस तरह का व्यवसाय करता है, हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं कि आप भी इस तरह का व्यवसाय शुरू करें और अपने देश को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए अपना सहयोग करें। देखिए, सुरेश कुमार जी जिनका की एक छोटी सी दुकान है यहाँ पर टेलरिंग की, कपड़ा सिलते हैं और जो इनके पास बेस्ट मटेरियल बचता है कपड़े का, जो छोटी छोटी जो कपड़ा बचता है उसका ये एक छोटे छोटे थैले बनाते हैं ताकि ये लोगों को दे सके और जो हमारा प्लास्टिक आज पूरे भारतवर्ष में या पूरे क्षेत्र में जो फैला हुआ है उसको ना यूज करें और ये जो प्लास्टिक के जो थैले हैं उसके इस्तेमाल करें, पिछले कपड़े के जो थैले हैं इसका इस्तेमाल करें। तो ये थैले इन्होंने पिछले 3-4 महीनों से बना रहे हैं जो इनके पास मटेरियल बच रहा है और अभी 2-3 स्कूलों में भी ये इस तरह के बच्चों के माध्यम से थैले दे चुके हैं। की सोच इनकी है, सभी किस तरह की सोच रहे हैं और हमारा जो राष्ट्र, हमारा जो भारत है ये प्लास्टिक मुक्त। ये तो बहुत बढ़िया सोच है जनाब। ऐसा है कि रास्ते में लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं, लिफाफे फेंक देते हैं, पशु खाते हैं, पशु मर जाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी सोच है। सबको चाहिए कि सब लोग जो है इनका साथ दें और इसी तरीके से लोग भी चले कि प्लास्टिक हर कहीं नहीं फेंके और प्लास्टिक को बंद किया जाए और जैसे थैले इन्होंने बनाए हैं इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।